सरकारी डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ कितने असासा जात के मालिक हैं सब बताना होगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने तफसीलात तलब कर ली। प्रॉपर्टी, कैश, गाड़ियों, ज्वेलरी, प्राइस बॉन्ड, बैंक अकाउंट्स, महाना आमदन, बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात मांगी गई। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ का तमाम हस्पतालों के सरबराहान को मरासला जारी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास, कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल, महकमा हाउसिंग शहरी तरक्की से मुतालिक सवालात और जवाबात, इजलास 1 घंटा 56 मिनट की ताखिर से शुरू हुआ। सुई नॉर्दर्न कंपनी में गैस चोरी की शरह में रिकॉर्ड इजाफा, लाहौर गैस चोरी की शरह में दूसरे नंबर पर आ गया। करोड़ों रुपए की गैस सिस्टम से गायब, लाइन लॉसेस की शरह 13% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। मार्च में गैस चोरी में अचानक इजाफा हुआ। वज़ीरे माहौलियात बाउ रिजवान और सेक्रेटरी माहौलियात के दरमियान तल्ख कलामी, महकमाना मामलात पर शदीद झगड़ा, अफसरान की एक दूसरे को धमकियां, करप्शन के इल्ज़ामात। सेक्रेटरी माहौलियात जाहिद हुसैन दफ्तर से निकल गए। जाहिद हुसैन सियासी दबाव की शिकायत कर चुके। सेक्रेटरी माहौलियात अजीज़ो अकारिब को नवाज रहे हैं, बाउ रिजवान का इल्ज़ाम। रमज़ान गुजरने के बाद भी चीनी का बहरान, महंगी चीनी खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते, इसलिए चीनी बेचना ही बंद कर दी। दुकानदारों का मौकिफ, कहा ज़िले इंतजामिया ने 26 रमज़ान के बाद चीनी सप्लाई नहीं की, हुकूमत ने चीनी 85 रुपये सेल करवानी है तो मुहैया करें। मुर्गी की कीमतों में होशरुबा इजाफा जारी, पोल्ट्री माफिया को कोई पूछने वाला ना रहा। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में मजीद 12 रुपये इजाफा, फी किलो कीमत 422 तक जा पहुंची, गरीब आदमी परेशान। मैट्रिक और इंटर के तलबा के लिए अच्छी खबर, सिर्फ अंग्रेजी, रियाजी और साइंस का इम्तहान लेने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। आर्ट्स के तलबा का लाजमी के साथ 2 ऑप्शनल मजामीन का इम्तहान लेने की भी तजवीज़, प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे। मैट्रिक का इम्तहान 19 जून, इंटर का 6 जुलाई से शुरू करवाए जाने का इम्कान। नवा साल लाहौर के 9 लाख तलबा इम्तहान देंगे। लाहौर की सरकारी जामियात के बजट में 80% फंड्स की कटौती, 6 जामियात को 14 अरब में से सिर्फ 2 अरब 30 करोड़ मिलेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, तियानफीन यूनिवर्सिटी, UET, पंजाब यूनिवर्सिटी के बजट में कटौती की गई। बजट में कटौती से प्रोग्राम मुतासिर, लागत तखमीना में इजाफा होगा। सूबे की सरकारी यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग करने का फैसला, कारकर्दगी की बुनियाद पर बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिलेगा। हायर एजुकेशन कमीशन ने मैकेनिज्म तैयार कर लिया, रैंकिंग के लिए 100 नंबर्स मुख्तस होंगे। रिसर्च, इनोवेशन, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, तहकीकी मकाला जात, फैकल्टी और डेवलपमेंट और इंटरनेशनलाइजेशन के नंबर्स दिए जाएंगे। असातिज़ा के लिए खुशखबरी, कौमी खुशहाली सर्वे में हिस्सा लेने वाले असातिज़ा का मुआवजा दुगना कर दिया गया। एक ब्लॉक का सर्वे करने पर 38,000 रुपये मिलेंगे, घरों की तादाद 550 से ज़ायद होने पर 20,000 रुपये इजाफी मुआवजा दिया जाएगा। सर्वे में लाहौर से 2000 असातिज़ा हिस्सा ले रहे हैं।
NCOC के ज़ेर एहतमाम बैनुल सूबाई वुज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस मुलतवी। कॉन्फ्रेंस आज के बजाय कल मुतवक्के। कॉन्फ्रेंस में तालीमी इदारों को बंद करने या खोलने का फैसला होना था। बगैर मास्क ड्राइविंग पर चालान जारी। ट्रैफिक पुलिस ने मजीद 4,452 गाड़ियों के चालान कर दिए। SOPs के खिलाफ वर्जी बारे 15 अप्रैल से 16 मई तक की रिपोर्ट जारी। एक माह में 1,304 मैरिज हॉल्स रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। 9,64,000 जुर्माने, 385 अपराध गिरफ्तार कर लिए गए। 253 मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए। VCUHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का तिबी वफद के हमरा फलस्तीन जाने का ऐलान। कहा, फलस्तीनी भाइयों को तनहा नहीं छोड़ सकते। इमदादी सामान के हमरा फलस्तीन जाएंगे। इजाज़त के लिए फलस्तीनी सिफारतखाने अक्वामी मुतहिदा के दफ्तर से राबता करेंगे। इजाज़त ना मिली तो मिस्र की सरहद पर आरसी हस्पताल बनाएंगे। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त न देने का मामला। अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए मुतफरिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकिर नजफी कल समाअत करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से तसाब अदालत पेश। अदालत ने रेफरेंस की समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी। स्पीकर परवेज़ इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्ती की इंक्वायरी पर अदम सबूत पर बंद कर दी गई। एहतसाब अदालत ने इंक्वायरी बंद करने का हुक्म दे दिया। परवेज़ इलाही पर बतौर वजीर लोकल गवर्नमेंट गैर कानूनी भर्ती का इल्ज़ाम था। स्पीकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। नैब का मौके। डॉक्टर हस्पताल के बाहर एक्टेम्ब्रा इंजेक्शन बगैर वारंटी के फरोख्त करने का मामला। मुलजिम वकास को चेयरमैन ड्रग कोर्ट की अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिम 30,000 का इंजेक्शन 1,40,000 में फरोख्त कर रहा था। प्रोसिक्यूटर का मौकिफ। अदालत ने मुलजिम वकास का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। केस की रिपोर्ट रोजाना पेश करने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन और पुलिस की नाकिस कारकर्दगी का मामला। कत्ल केस में दो बार सजाए मौत पाने वाले दो कैदी परी। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में बेंच ने सजा कलदम करार दे दी। कैदी फाहद घुमन और गुलफाम मसीह को मुकदमे के 7 साल बाद बरी कर दिया। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबों में अरबों की करप्शन का स्कैंडल। पंजाब का विफाक से साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को मौतल करके कार्रवाई करने का मुतालिबा। साबिक DC अटक अली अनान कमर, साबिक DG RDA अब्दुल सत्तार के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए मरासला लिख दिया गया। साबिक जबकि चीफ जस्टिस सेक्रेटरी ने डायरेक्टर रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी को अहदे से हटा दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार को SNGAD रिपोर्ट करने का भी हुक्म दे दिया गया। मुतादिद अफसरान के तकर्रो तबादले। दो असिस्टेंट कमिश्नर्स को OSD बना दिया गया। हसन नज़ीर असिस्टेंट कमिश्नर नारवाल, मियां मुराद हुसैन असिस्टेंट कमिश्नर जहलम, असिस्टेंट कमिश्नर भाना इकरा मुस्तफ़ा, असिस्टेंट कमिश्नर कसूर तायुनान, असिस्टेंट कमिश्नर जहलम जुल्फकार अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर गुजर खान रिजवान को SOD लगा दिया गया। सूबे में पुलिस अफसरान की किल्लत। पंजाब हुकूमत का 4 DIGs के खदमात देने से इनकार। विफाक को तबादले मंसूख करने की दरख्वास्त कर दी। DIG तारिक अब्बास कुरैशी, शारिक कमाल सदीकी, शाहिद जावेद और DIG हसन यूनस के तबादले कर दिए गए। IG पंजाब ने 3 DPO समेत 6 अफसरान के तबादले कर दिए। DPO बहावलपुर हसन मुश्ताक सुखेरा, SSP टेली कम्युनिकेशन लाहौर तायुनात नदीम अब्बास, SSP इंटरनल ब्रांच लाहौर इस्माइल रहमान, AIG डिसिप्लिन लाहौर अली रजा, DPO लैया और मोहम्मद फैसल, DPO बहावलपुर तायुनात।
वजीर आला की जेर सदारत 3 घंटे तवील इजलास, महकमा दाखिला की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के अहदाफ का तफसीली जायजा। उस्मान बुज़दार बोले, पंजाब की 7 जेलों में मल्टी स्टोरी बैरिक्स बनेंगे, जेलों में कोर्ट रूम्स का क्याम भी अमल में लाया जाएगा। कहा, फोरेंसिक साइंस ट्रेनिंग लैब को जल्द फंक्शनल किया जाएगा। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की ताज़ीन और आराइश का फैसला, शहदरा और सकियाँ रावी पुल की ताज़ीन और आराइश तारीखी इमारतों की तर्ज पर की जाएगी। मेट्रोपोलिटन ने 3D प्रिंट्स पर वर्किंग पेपर्स तैयार कर लिए। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान की बिला ताखीर फिजिबिलिटी मुकम्मल करने की हिदायत। टास्क मेट्रोपोलिटन ऑफिसर अब्दुल क्यूम खान को तफवीज़। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में नया डायरेक्टोरेट जर्नल कायम करने का फैसला। डायरेक्टोरेट जर्नल का नाम DG मेडिकल एजुकेशन और इंस्पेक्शन होगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने DG ऑफिस के लिए 10 करोड़ रुपए मांग लिए। 54 नई असामियों का भी मुतालिबा। महकमा बल्दियात का खेलों के फरोग के लिए 2% बजट मुख्तस करने का ऐलान। सेक्रेटरी बल्दियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खेलों के लिए मुख्तस बजट किसी और काम पर खर्च नहीं किया जाएगा। सेशन अदालत में 3 बच्चों की हवालगी के केस पर समाअत। बच्चों की मां का खावन से सुलह से इनकार। खावन तशद्दुद करता है, नौकरी नहीं करता, घर का किराया भी नहीं देता। खावन ने ईद से कबल बच्चे छीन लिए थे, खातून का मौके। अदालत ने बच्चे वालिद से लेकर मां के हवाले कर दिए। IG पंजाब इनाम गनी की जेर सदारत CPO में इजलास, पुलिस के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर बातचीत। साल 2021 से 22 को पुलिस स्टेशन के साल के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया। IG पंजाब बोले, 444 थानों को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में तब्दील किया जाएगा। CCPO गुलाम महमूद डोगर की सेशन अदालत आमद। सेशन जज सज्जाद हुसैन से मुलाकात। सेशन जज का मुकदमात के चलान जल्द पेश करने, मयारी तफ्तीश पर जोर। TIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल भी CCPO के हमराह थे। बेहतर तफ्तीश करके मुलजिमान को सजा दिलवाएं और इनाम पाएं। IG का बेहतर तफ्तीश पर अफसरान को इनाम देने का ऐलान। संगीन जराइम में मुलजिमान को सजा दिलवाने में अफसरान को इनाम मिलेगा। मुजरिमों को सजाए मौत, उम्र कैद, 3 साल की सजा पर 1 कैटेगरी का इनाम दिया जाएगा। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की मॉडल टाउन ऑफिस आमद। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की। तंजीम साजी के हवाले से नामों पर मुशावरत भी की गई। राजा परवेज अशरफ दीगर पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। ACCT फैजान अहमद का आर्मी रेंजर्स और पुलिस के हमरा अनारकली का दौरा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10 अफराद गिरफ्तार कर लिए। 20 दुकानदारों को वार्निंग, 1 दुकान सील कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने शहरियों में मास्क भी तकसीम किए। कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़हब मुकालमा के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीनियों पर मुजालिम के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरा। मुस्लिम, मसीही, हिंदू और सिख रहनुमाओं की शिरकत। इसराइली मुजालिम की भरपूर मजम्मत की, जबकि जमात इस्लामी PP 160 ने मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद के लिए फ़ंड कायम कर दिया। डिप्टी सेक्रेटरी लाहौर अहमद सुलमान बलोच ने फ़ंड देकर आगाज़ किया। बच्चों ने अपनी ईदी फ़लस्तीन फ़ंड में अदिया की। गंदारा आर्ट से शनासाई इस्लाम के इब्तदाई दौर की पिजराई। लाहौर अजायब घर कदीम तहजीब सकाफत और विरसे का आमीन। वर्ल्ड म्यूजियम डे पर गंदारा आर्ट, बुद्ध मत के नवादात, सिंधी तहजीब के आसार, अजायब घर की जीनत। इस्लामिक गैलरी में कुरान पाक के नयाब नुस्खे रखे गए हैं।